मौजू नहायत अहम है, जरूरी भी है और बाशुकात बाद अफराद वास्ते कुछ खुशक भी है। बार कैफ अल्लाह दे रास्ते दे अंदर माल खर्च करना ए फितरत दे ऐन मुताबिक है, क्योंकि ये जितना भी दुनिया का निजाम चल रहा है ये सारे का सारा निजाम चलाने वाला कौन है? बोलो, थोड़ी हिम्मत करो। माशाल्लाह, सारे का सारा निजाम चलाने वाला कौन है? एक अल्लाह की ज़ाते बारी ताला है और सब नु पैदा करने वाला। इधर इको कटाओ, वैसे आवाज भारी कर। सब नु पैदा करने वाला और बेपना ला महदूद अनगिनत और बेशुमार नेमत अता करने वाली एक अल्लाह दी ज़ाते बारी ताला है कि जिसने इंसान वास्ते इतने एहसानात और इतने इनाम इंसान ते कीते ने कि कोई माई दलाल शुमार कर सकता हरगिज नहीं। लेकिन इसके बावजूद इंसान हर चीज नू अपनी मलकियत तसव्वुर करता जा रहा है। ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। कभी इस फलसफे ते गौर कीजिए, कोई नुकसान होए अल्लाह ना करे या फौतीदगी दे मौका दे, शरी तालीम क्या है? जुबान तो पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इदा मफहूम की है कि अल्लाह सोनिया सारा कुछ तेरा ही। या अल्लाह जो जी साडे कोलों लै गए हो अल्लाह तुसाई इसनों जिसम बख्शिया रूह बख्शी तुहाडे कोल ही वापस लौट गया और यकीनन असा भी सब ने लौट जाना है। गल समझे हो ना? फलसफा क्या है कि अल्लाह दा माल अल्लाह वापस ले गए। और मेरे अजीजो साडा जिस्म साडी रूह साडे सांस ये सब चीजां ते किदा कब्जा है? अल्लाह दी जात दा। वो ते बड़े मैं समझना के रास्ते तो भटके हुए लोग ने और बड़े गए गुजरे लोग ने जड़े ए नारा बुलंद करते ने और ये हामी ने कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म भी अल्लाह दा ते मर्जियां भी, और जिस्म अल्लाह ने अता किया है ना, अल्लाह महफूज रखे। ते जे अल्लाह ना करे ना करे जिस्म दा कोई हिस्सा छिन जाए किसी माई दे लाल दे अंदर ताकत है वे उसे वापस लौटा के रखे। और किसी की अख अल्लाह ना करे साया हो जाए जिस्म दा कोई और हिस्सा मफलूज हो जाए अल्लाह दियां कुदरतां तो बगैर इंसान किसे कम दा नहीं। उदी तौफीक तो बगैर उदी रहमत तो बगैर इंसान दी कोई हसीयत ही नहीं। इस वास्ते ये सोच ये नजरिया ये फिक्र इसनु मजबूत कीजिए, ये तसव्वुर ये जज्बा अपने अंदर बेदार कीजिए कि मैं भी अल्लाह दा हाँ
और जो कुछ मेरे कब्जे दे अंदर है, मेरी सवारी, मेरा घर बार, मेरे लिबास, मेरिया सहूलता, मेरा बेहतरीन रिश्क दा अड्डा, ये सब कुछ मेरे रब दा है। किन्ने अता कीता है? तवज्जो मेरी तरफ, किसने अता कीता है? अल्लाह ने। अल्लाह चाहे तो वापस भी ले सकता है। इस वास्ते ये जज्बा बेदार हो जाए ना कि सब कुछ मैनू मेरे रब ने अता कीता है, अल्लाह चाहे वापस ले सकता है, तो फिर इंसान अपनी फिक्र ये मजबूत कर लेंदा है कि जो है ही रब दा है, तो रब के रस्ते के अंदर दे दवांगा तो मेरा की कमाल है, अल्लाह के दिते चो ही मैं देना है ना। गल समझे हो ना? इहो ही तो सब तो बड़ी कमजोरी है कि इंसान इस माल नू अपना समझ बैठा है, जबकि नहीं। कुरान हकीम दी जो आया मुकदसा सूरत बकरा दी तीसरे पारे दे आगाज के अंदर ही अल्लाह पाक ने अहले ईमान नू मुखातिब होके इस बात की तलकीन फरमाई है। जरा गौर कर रहा है, अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम दे अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ा वल काफिरूना हुमु ज़ालिमून। अल्लाह पाक ने फरमाया, मोमना दी जमात अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च कर दे जाओ ना, और उन लम्हात तो पहले पहले खर्च कर दे जाओ ना, और जेड़ा वक्त जनाबे अली बड़िया दुश्वारियां वाला तुहाडे कोल पहुंचने वाला है, यौमुल्लाह बैउन। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होएगी, आए कोई तिजारत नफा मंद नहीं होएगी, कोई मामला नहीं होएगा, वला खुल्लतुं वला शफा। भाई तवज्जो मेरी तरफ, बंदे भी तुसी अजीब हो यार कि एक पानी पिला रहे हैं सारे उधर ही वेखी जाते हो, ऐसी ध्यान मेरी तरफ रखो, तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह पाक सब दी हाजरी नू शर्फे कबूलियत नाल नवाजे। आइए जरा बातां तवज्जो दे नाल दिल लगा के सुनते जाना है, और मैं की गुजारिशात करता जा रहा हूं, आसमान तो पैगाम की आ रही है, मोमना दी जमात अल्लाह दे रास्ते दे अंदर माल खर्च करना है, उस दिन तो पहले पहले खर्च कर दिया जाना है, ला बई उन फी वला खुल्ला तू वला शफा। और जिस दिन दोस्तियां कम नहीं आनगियां, अज जिस दिन किसी किस्म दियां सिफारिशां कम नहीं आनियां, अल्लाह पाक ने फरमाया, वल काफिरून हुम ज़ालिमून। आए हुए जड़े इनकार करने वाले ने, कुफर करने वाले ने, अल्लाह पाक ने फरमाया, ये हुई सब तो बड़े जालिम ने। आ इंसान जरा अपनी खाम ख्याली नू दूर करता जाना, अपनी पदाकीदगी नू दूर करता जाना, और अपने जड़े तसव्वुरात ने दुनिया के नाल प्यार पा के रब तो बेगाना हुंदा जा रहे हैं, ये तसव्वुरात नू मिटा के अल्लाह की याद की शमा नू रोशन करता जाना। आ नजर गौर करे, जेड़ा दुनिया का मालो मनाल है, आ दुनिया दियां नेमतां ने, आ दुनिया दियां जायदादां ने सब कुछ हार दी है, और सब कुछ खत्म होने वाला है। अल्लाह पाक ने नेमतां बयान की दियां ने, और नेमतां बयान करके दुनिया दियां फिर रब ने आखरत की तरफ तवज्जो दिलाई है। रब दे कुरान नू दिल लगा के समात करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ये भी सूरह आले इमरान है, और सूरह आले इमरान दा जनाबे आली अल्लाह पाक दे फजल दे नाल इब्तदाई आयतां दे विच्चों आयात ने। अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़्ज़हबि वल फिज़्ज़ा والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من
صالحكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار अल्लाह पाक ने ये दुनिया दियां नेमतां बयान कीतियां ने औरतां दा घर रहना अल्लाह पाक ने तेनू सीनतां बख्शियां ने अल्लाह पाक ने फरमाया ए मालो मनाल ए बेहतरीन घोड़े जनाबे आली आला नस्ल दे सोने ते चांदी दे खजाने ए खेतियां सरसब्ज जितना भी निजाम चलता जा रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया ये सारियां दुनिया भी सीनतां ने इन्हां नू हासिल करना कोई बुरी बात नहीं जे पर गल पका के ले जाओ वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब अल्लाह पाक दे कोले दे नालों बेहतर ठिकाना तुहाडे वास्ते मौजूद है की मतलब है और इन्हां नेमतां नालों बेहतर नेमतां अल्लाह ने जन्नतियां वास्ते पैदा कीतियां ने और ओ किन्ना लोगां वास्ते होनियां ने जरा गौर करदे जाना कुल अनबियुकुम बिखैर मिन सालिकुम अल्लाह पाक ने फरमाया इहदे नालों कदरे पेमता बेहतर ने और ये नालों उचिया ने और ये नालों आला ते अफसल ने और एवं ते मेरे ते तेरे महबूब नबी ने नहीं फरमाया और जन्नत दिया नेमत दे बारे और फैसला बाधी अदरा दिल लगा के बाद सुनता जाइना और नबी पाक दी हदीस मुबारक में और इमाम कायनात ने फरमाया जन्नत दिया नेमत कैसिया ने ला आईन रात वला उजुन समियात वला हकीकी तसव्वुर नहीं कीता अल्लाह ने मोमना दियां रीझां ला देनियां ने अल्लाह ने मोमना दियां ख्वाहिशां पूरियां कर देनियां ने अल्लाह ने मोमना नूं माला माल कर देना वे और आइए जरा गौर करते जाना ये सारियां नेमतां अल्लाह रदा मंदी दे सर्टिफिकेट अल्लाह पाक दिया तावां ते ओदियां रहमतां ओदियां रजा मंदियां अल्लाह पाक दी तरफों बेहतरीन नेमतां जन्नत दियां नहरां जन्नत दियां खूरां जन्नत दे बेहतरीन चश्मे ते बगात है ए पता किन्ना लोगां वास्ते ने कुरान की कह रिया अल्लज़ीन यकूलून रब्बना इन्नना तेरा रब दे कुरान नू दिल लगा के सुनदा जाना अल्लज़ीन यकूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार जड़े अपने अल्लाह नू कहंदे ने या अल्लाह असी बड़े गुनाहगारी अल्लाह सोने असी बड़े कुतागारी या अल्लाह गलतियां साढ़े कोल हुंदियां ने अल्लाह असी तेरे ते ईमान ला चुके हैं या अल्लाह असी कामिल यकीन कर चुके हैं आमन्ना बिरब्बिना अल्लाह सोनिया तू साडा महबूद है गज के बोलो महबूद कौन है इलाह कौन है महबूद कौन है जरा दोवे दोवे हाथ चुको हाँ माशाला कुछ झाका दूर हो मैनू भी पता लगे कुछ बैठे ने इधर सारे तुला भी बह गए ने सामने तो सियाने सियाने बंदे उधर बह गए ने इस वास्ते तुसा लैनमेंट ही खराब कर छड़ी है तो बच्चों मेरी तरफ इम्तिहान मेरी तरफ मैं कोशिश करांगा कि कुरान हदीस दियाँ चंद तालीमात मैं तुसा अहबाब के सामने जिक्र करता जावा अल्लाह पाक मेरे समेत सब की हाजरी नू शर्फे कबूलियत नाल नवाजे आइए जरा गौर करते जाना बातें बड़ी मुहब्बत दे नाल मैं पेश करता जा रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह दे नेक बंदे ने जेड़े रब को माफिया मंगते जा रहे ने और कहंदे ने या अल्लाह सानू जहन्नम दे अजाब तो बचा लई अल्लाह सानू सख्तियां तो बचा लई अगो माशाल्लाह माहे रमजान भी आ रहे हैं ना हैं जी
अल्लाह खैरियत नाल ले आए। आमीन कह दियो। अल्लाह उस महीने दियां बरकात तो मुस्तफीद होने का मौका नसीब फरमाए। आमीन ते कह छड़ो। अल्लाह उदे लैलो नहार उस महीने दियां बरकात उदे अंदर जड़ी रहमतां दी बरखा बरसनी है। या अल्लाह ऐसी रहमत दी बरखा बरसे के साड़ी जिंदगी दे गुनाह तो बचाण। अल्लाह साड़ी जिंदगी दे गुनाह माफ हो जान। अल्लाह साड़ियां गलतियां ते कुताइयां माफ हो जान। रमजान दे महीने वास्ते तैयार हो ना। बोलो ते सही। रोजे रखने ने माशाल्लाह, कुरान पढ़ना है, रात नूं कयाम करना है ना, ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च भी। बोलो सदका खैरात फर्जी जकात नफली सदका इधर तो पीछे रहना। आ सोच दिला रमजान मुबारक। भाई कह रहे सन के कुरान भी सुनना है ते इनफाक भी सबीलिल्ला भी बयान करना है ते नाल कोई रमजान दी गल भी सुनानी है। मैं कह ओ ना ना करे अजे आओ भी सुना दियो, आओ भी सुना दियो, आओ भी सुना दियो, आओ भी सुना दियो। मतलब मेरी तकरीर कितने जनरल स्टोर ही बन जाए। इस तरह ना मेरे नाल करे जे बाहर क्या चंद बातें मैं अहबाब की खिदमत के अंदर पेश करता जावां। की कहते ने सोच दिला रमजान मुबारक। फिर सर उते आया तू इस दी आमद कारण की समान बनाया। समान किए और जज्बा पैदार कर। अल्लाह रोजे रखने ने सोनिया मालिका कयाम करने, अल्लाह रुकू करने ने, सुजूद करने ने, नवाफल पढ़ने ने, सोनिया मालिका तेरे रास्ते दे अंदर माल निछावर करना है। आ सोच दिला रमजान मुबारक। आ फिर सर उते आया तू इस दी आमद कारण की समान बनाया। साल पिछों तशरीफ लाया रमजान महीना। जो ना इस दी कदर पहचान है जे पे समझ कमी ना। मोमिन रख तू रोजा अजो तेनू समझाया। साल पिछों रमजान मुबारक नाल नसीब आया। अरे ओ माहे मुबारक जिस विच होवे रोस मुनादी। केड़ा महीना रमजान का महीना है। अरे ओ माहे मुबारक जिस विच होवे रोस मुनादी। आओ लोग पांच पांच लुटो, आओ लोग पांच पांच लुटो रहमत पाक खुदा दी। अल्लाह तेनू दे मैनू रमजान दियां बरकात तो मुस्तफीद होने का मौका नसीब फरमाए। और मैं की गुजारिशात करता जा रहा सै। अल्लाह वालियां वास्ते अल्लाह पाक ने नेमतां पैदा कीतियां ने अपने बंदियां वास्ते। और नेमतां कैसियां ने और जड़ियां दुनिया दियां नेमतां नालों कदरे बेहतर ने। और अल्लाह दे बंदे गौन ने और जेड़े अपनियां नेकियां ते मान नहीं करते, गुरूर ते घुमंड नहीं करते। अल्लाह कोलों हर लम्हा पलम्हा माफियां मंगते जा रहे ने।
और जन्म दिया सापा तो पनाह तलब करते जा रहे ने और मसीद अल्लाह पाक ने खूबियां कि बयान की दिया ने अदरा कुराने पाक दी है ते मुबारक ते गौर करते जाना है मोतियां दी लड़ी परोइए मेरे सोने अल्लाह ने अल्लाह पाक ने फरमाया अश्वाबरी والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे कौन ने जड़े ने किया करने वाले ने और मुश्किल लम्हात दे अंदर सबर दा दामन मजबूती नाल थामने वाले और सच्चियां बातां करने वाले अल्लाह ते ओदे रसूल दियां ताबेदारियां करने वाले फरमा बरदार बंदे अल्लाह पाक ने फरमाया वल मुनफिकीन और अल्लाह दे रास्ते दे अंदर दिल खोल के माल निशावर करते ने और सुबह भी खर्च करते जा रहे ने शाम भी छट्टे देंदे जा रब दे रस्ते दे अंदर ओए तसव्वुर अपने ज़हन दे अंदर पुख्ता कर चुके ने ओ आज़म जनाबे आली बेदार कर चुके ने और सब कुछ अल्लाह दावे अल्लाह ने अता कीता है और अल्लाह दे रास्ते दे अंदर टुर जावे ते सुन पढ़ के खुश नसीबी कोई नहीं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर दौलत खर्च करने वाले वल मुस्तगफिरीन बिल असहार और शहरियां वेले उठ के अल्लाह दे कोलों गुनाहां दियां मुआफियां तलब करने वाले ये बंदे बड़े महबूब ने ये बंदे बड़े प्यारे ने जरा गौर करते जाना और फैसला पादिया पासिया इर्दा गिर्द तो होने वाले आ किताबो सुन्नत दे नाल प्यार ते मुहब्बत रखने वाले आ नजरा बात तवज्जो दे नाल दिल लगा के सुनता जाना ये दुनिया दा माल दुनिया दियां चंद कौड़ियां और जिन्हां नूं असीं मताए असीं समझ गए और जिन्हां नूं अपना ओढ़ना बिछाना तसव्वुर करके अपनी रब की याद तो गाफिल हो चुके अल्लाह की याद नूं पसे पुछ डालता जा रहा वे आ दुनिया के माल की हसीयत की है आ दुनिया के जाहो जलाल की हसीयत की है कदी गौर करिया करना अल्लाह पाक ने दुआ लफ्जा के अंदर आ पूरी दुनिया की कदरों कीमत नूं छान के रख दिता वे वारे कुरान मैं तेरी फसा तो बलागत तो कुर्बान जाव अल्फाज थोड़े होंगे ने मफहूम बड़ा वसी होंगे अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया हबीबा ऐलान करके कह दे कुल मता दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन तका अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया की जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जही है ऐ सोनिया ऐलान कर दे ऐ मेरे प्यारे महबूबा ऐलान कर दे लफ्ज कुल तो आगाज हो रहे है मता दुनिया गलील दुनिया की जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जी है खत्म होने वाली है ऐनी जल्दी मुक जानी है 50 साल गुजार लेंगा और 60 साल गुजार लेंगा 70 साल जी लेंगा और बड़ी छाल मारेगा ते 100 साल जी लेंगा आखिर दुनिया तो चल दिया भला होना है और दुनिया तो जाके रहना है वाला आखिरा तो खैरुल लिमन तक़ा अल्लाह पाक ने फरमाया आखिरत की जिंदगी बेहतर है आखिरत की जिंदगी उम्दा है आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है आखिरत की जिंदगी हमेशगी वाली है पर किदे वास्ते जेड़ा बंदा मुत्तकी बन गया जेड़ा बंदा मुत्तकी और जेड़ा परहेजगार बन गया और जेड़ा गुनाहों तो बच गया और जिसने अपने दामन नूं गुनाहों की गलाजत तो महफूज कर लिया आसमान तो पैगाम की आ रही है उदे वास्ते आखिरत की जिंदगी बड़ी बेहतर है और माल खर्च करना सदका खैरात करना अल्लाह के रास्ते के अंदर दौलत निछावर करना और ये भी तकवा के हसूल का बहुत बड़ा जरिया होया करता जे अल्लाह पाक ने फरमाया वासा यू जन्नब हल अतका अल्लाह दी योधी मालक या ता
सगन आड़े बंदे ने जेड़े अपना माल पाक कर लेंदे ने परहेजगार बन जाते ने मुत्तकी लोग जेड़े रब दे रस्ते दे अंदर खर्च करते जा रहे ने बातां बड़ी तवज्जो दे लायक ने माशाल्लाह मेहमान तशरीफ ले आ रहे ने क़यादत तशरीफ ले आ रही है अल्लाह पाक हजरत दा आना अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल और मंसूर फरमाए अल्लाह पाक इस गुलशन नू आबाद रखे आमीन कह दियो इस इदारे दी मालिक खुद सरप्रस्ती फरमाए और माशाल्लाह ये जो जगह दा एहतमाम कीता गया है अल्लाह जल्द अज जल्द बेहतरीन बिल्डिंग दा एहतमाम फरमा देवे ताकि अच्छे तरीके दे नाल कुरान और हदीस दा सिलसिला आगे चल निकले जगह देने वाले माल खर्च करने वाले रुपया पैसा सर्फ करने वाले सरप्रस्ती करने वाले हौसला अफजाई करने वाले वक्त खर्च करने वाले अल्लाह सब वास्ते सदकाए जारिया बना देवे आमीन कह छोड़ो अल्लाह सब वास्ते सदका जारिया बना दे तो शायद आखरत बना दे आइए जरा गौर करते जाना मैं की गुजारशात करता जा रही हूं मैं अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया का माल बिल्कुल मुख्तसर जिया जे और रब दे रस्ते दे अंदर डर कर खर्च करन लगिया डरिया ना कर ना आखिया कर मेरिया दौलतों के अंदर कमी वाके हो जाएगी कोई पता नहीं अगर अज अल्लाह पाक ने तेन अज लखा पति बनाया वे करोड़ा पति बनाए जिहड़ा मालिक अता करन ते कादर है बोलो वापस लेने ते भी अल्लाह वापस लेने ते भी कादर है माड़िया बंदियां नूं धक्के ना दिया कर दीनी इदारे दे सफीर आ जान और इन्हां नूं बुरा ना जानिया कर अल्लाह दियां घरां नूं मसाजिद नूं जनाबियां लई मंदा ना बोलिया कर और ये ना आखिया कर ये हर वेले मंगते ही रहिंदे ने ये हर वेले सवाल ही करते रहिंदे ने अगर तेरे कोलो ज़कात मांग रहे ने अगर तेरे कोलो सदका खैरात का सवाल कर रहे ने समझ तेरे सब तो बड़े हमदर्द ने कि जिन्हां दे जरिए अल्लाह तेरा माल पाक कर रहा है मेरे प्यारे हबीब नू रब्बे करीम ने आर्डर फरमाया खुज खुज मिन अमवालहिम सदकतन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम सोनिया इना कुल अतियात वसूल कीजिए सदकात वसूल कीजिए कई साढ़े मुअज्ज़ज़ उलमाए किराम कहते हैं असीं नहीं चंदा मंगते मसाजिद वाले जे कह देन के अपील कर दे जे अल्लाह दा घर बनन वाला है ओ भाई असीं नहीं मंगदे साडी ये ड्यूटी नहीं ओ मेरे अजीजो इस कायनात दे अंदर सब तो खुददार सब तो पाकबाज और सब तो कीमती शख्सियत मेरे पाक मुहम्मद दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी नालों बढ़ के किसे दे अंदर गैरत है मेरे मुर्शिद नालों बढ़ के किसे दे अंदर हमीजत है नबी पाक ने बरसरे मिंबर बैठ के चंदा मांगा ये नेकी है ये अजर है और रब खुद कह रहे ने सोनिया खुद पकड़ो इन्हां कोलो माल वसूल करो ताके तू तहिरुहुम व तू ज़क्कीहिम बिहा माल पाक हो जाए साफ सुथरा हो जाए ते सोनिया व सल्ली अलैहिम फिर इना वास्ते दुआ भी कीजिए तदे दे मौल साहिबान कहंदे ने जज़ाक अल्लाह तबारक अल्लाह गल समझे हो ना ए रब दा हुक्म है के सोनिया इन्हों वास्ते दुआ भी कीजिए अरे हुई मैं गुदारशांत करता जा रही हाँ अज वक्त ही अल्लाह पाक ने तेनू दौलतां तां कीतियां ने अल्लाह ने तेनू मालो मनालतां कीता बेहतरीन सवारियां ते बिठाया है और जनाबे वाली कोठियां ते महल्लात ते अंदर जिंदगी गुजारता जा रही हाँ मैं और समझ लै ये सब कुछ आरजियां खत्म होने वाला मैं असा वेखिया जनाबे वाली जहाजा ते उड्डन वाले असा वेखिया जनाबे वाली
वाली जिन्ना दे रास्ते दे अंदर लोग खड़े रहते ने उन्हां दी मुलाकात वास्ते एक लम्हा ऐसा आउंदा बेचारे गलियां दे कखां तो हौले हो जांदे ने उहदी वजह की है राज हमेशा मेरे रब दा जे कानून में हमेशा मेरे रब दा जे सल्तनत हमेशा मेरे रब दी जे हुकूमत हमेशा वालियां मेरे अल्लाह दियां जे तदे ते कहन वालियां ने आख्या कख उड़दे नहीं लखां पत्तियां दे बस फिर हनेर सवेरे दा कख उड़दे नहीं लखां पत्तियां दे बस फिर हनेर सवेरे दा दौलत आउंदी दिसदी सभना बन जांदी उकां बनेरे दा जद मालिक कबरी जांदे नी दर वजदई वसदे डेरे दा ए ना आखे अगर मैं तुहाडे वास्ते कमाना पिया आ गरीब कट्ठे हो के आ जांदे ने आ यतीमां दीआं लैणां लगीआं ने आ बेवा औरतां सारीआं मेरे खाते दे अंदर ही ने आ सारे मदरसियां वाले कापियां चुक के मेरे घर ही आ जांदे ने आ दौलत आउंदी दिसदी आ सभनां नूं बन जांदी बने रे दा जद मालिक गवरी जांदे नी दर वजदई वसदे डेरे दा जद वासा कावां करनाई की चाई महल उछेरे दा इत नहीं उमैद बुढ़ापे दी न रहनी मां न जवानियां दा रातां दी सख्त अंधेरी दे विच की सुपनाई मौजा मनियां दा मरहबा माशाल्लाह मेरी जमात दे अजीम मुबल्लिग अजीम खतीब और मेरे बड़े ही प्यारे लायक शाद एहतराम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन बलोच हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी दराद फरमाए आमीन कह छोड़ो अल्लाह से तो अफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह तबलीगी मेहनत दीनी मसरूफियात अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए आइए जरा गौर करते जाना मैं चंद बातें पेश करके अपनी बात नूं हुण जल्द खत्म करता जावां मेरे जुम्मे लगाया गया वे अल्लाह दे रास्ते दे अंदर माल खर्च करना रब दियां राहां दे अंदर माल खर्च करिया करना सोनिया तू केड़ा अपने कोलों खर्च करना वे जो अल्लाह ने अता कीता है अल्लाह दी अता दे विचों खर्च करना ही वेखना अल्लाह पाक ने अज तेनों करोड़ों का कारोबार अता किया वे उन्होंने भी वेख ला जेड़े बेचारे रेड़ियां लगा के गर्मी की शिद्दत दे अंदर चौकां चौराहियां दे अंदर जगह जगह खड़े होंदे ने कोई खलो नहीं देंदा कोई धक्के मारदा है पुलिस वाले ठुडे मारदे ने दुकाना वाले अपनियां दुकाना तो दुदकार के अगे कर देंदे ने हाए अगर तेनों रब ने करोड़ों की मलकीयत वाली दुकान ते बिठाया वे नाज ना करिया कर गुरूर ना करिया कर तकबर ना करिया कर माड़िया लोगों नू हकीर ना छानिया कर अल्लाह पाक ने तेनू नेमतां अता कीतियां ने दिल खोल के रब दे रस्ते दे अंदर माल लुटाया कर उहदी वजह की अल्लाह पाक ने फरमाया है मन सल्लदी युकरिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फयुज़ाइफ़हू लहु अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा रब नू कर्ज़ा हसना दे देंदा की मतलब है इस कर्ज़ा हसना तो मुराद की है अल्लाह दे रास्ते दे अंदर दौलतां खर्च करदा है किसे गरीब दा पेट भर देंदा वे किसे यतीम दे सर ते शफकत दा हथ रखदा है आ बेवा औरत दी मदद करदा है दीनी इदारियां दी इमदाद करदा जा रहा है आ मसाजिद दा ख्याल करदा जा रहा है आ मदरसियां दा ख्याल करदा जा रहा है हर जगह ते माल खर्च करता जा रहा ते रियाकारियां तो बचता है यह गल याद रखना है नहीं जनाबे आली जे माल खर्च करे ते दिल ये करता है कि मेरा इश्तिहार दे अंदर वड्डा नाम लिखिया जावे कई बेली जनाबे आली मस्जिद दे अंदर रुपये दे पैण ते इंज समझदा कि मस्जिद का मालक मैं
लख दो लख रुपया दे के ना लत उत्ते रख दे। मौलवी मेरे मतहत हो, मस्जिद मेरे मतहत हो, मदरसा मेरे मतहत हो, मैं किसी के मतहत ना होव। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या तू रब दे रास्ते दे अंदर खर्च कर रही है? क्या अल्लाह की रजा मंदी हासिल करना तेरा मकसद है? वगरना ऐसा सखी कयामत दे दिन ठेड़े खांदा नजर आएगा, कहेगा या अल्लाह मैं बहुत कुछ खर्च कीता। आवाज आएगी कसबता झूठ पिया बोलना है, तू इस वास्ते खर्च नहीं कीता कि तेरा अल्लाह तेरे ते राजी हो जाए, तेरा मकसद ये सी, तेरा नाम बड़ा होए, तेरे नाम दे नारे होन, तेरी शान बयान कीती जाए, मौलवी तेरे कसीदे पढ़न और जनाबे आली सारे तेरिया तारीफां करन, हाजी साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब, हजरत साहब। उन्होंने कह लिया उन रब की बारगाह के अंदर मां सिवाए जहन्नम दियाँ गहराइया दे बदनसीबा तेरे वास्ते कुछ भी नहीं। इस वास्ते जे रब दे रस्ते दे अंदर खर्च करना फना फिल्ला हो जाई। अयो भी सन मेरे प्यारे मुहम्मद दे इशारे ते सब कुछ लुटा दिया कर दे। सैयदना उस्मान गनी, माल कोई बुरी चीज नहीं, दौलत कोई बुरी शह नहीं। माल जे मक्के दे अंदर अबू जाल कुल सी ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुल भी सी। जे उमैया जैसे मालदार सन ते हजरत उस्मान गनी जैसे भी मालदार सन न, जिन्होंने माल दे जरिए रब नाल जन्नत दा सौदा कर लिया। वारे अबू बकर सिद्दीक, वारे हजरत उस्मान गनी और दीगर सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। ए दुनिया दा माल दे के कुरान कह रहा है इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम भी अन्न लहुमुल जन्ना। अपनिया जाना दे नजराने पेश करके, अपने अमवाल पेश करके रब नल जन्नत दा सौदा कर लिया। और इस गल नू याद रखी, जड़ी सौदागरी रब नल हो जावे उदे अंदर खसारे दा इमकान नहीं। अल्लाह कह रहे ने वमा अनफकतुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु। अल्लाह कहंदे ने तू मेरे रस्ते दे अंदर खर्च कर, मैं तेरा माल बढ़ा देंगा। मेरे रस्ते दे अंदर खर्च कर, मैं तेरा माल बढ़ा देंगा। अल्लाह बड़ी मुहब्बत दे नाल उस माल नू कबूल फरमांदे ने। प्यारे हबीब ने फरमाया सही हदीस है कि कोई बंदा एक खजूर की मकदार के बराबर सदका करता है खलूस नीयत नाल रिस्के हलाल चो, अल्लाह उस सदके नू बड़ी मुहब्बत नाल कबूल फरमाते ने। फिर वो परवरिश करते ने इंज जिमें कोई बंदा अपने बछड़े नू पालदा है। रसूल मुकर्रम ने फरमाया अल्लाह इंज एक कहानी किस्सा नहीं, सही है मुस्लिम दी हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह इंज परवरिश करते ने कि मिसलल जबल, हत्ता के वह पहाड़ जितना हो जाता है जिहड़ा खजूर का एक मामूली जिहा तू सदका दिता है। अल्लाह तेरे सदके नू जाया कर दे, वो बड़ा कदरदान है। जे गफूर है तो शकूर भी है। अपने बंदियां दी आ नेकिया की कदर करता है। तू आखरत की बेहतरी का इरादा करके नेकी कर लवे, अल्लाह सोना तेरिया बड़िया कदर करता। कभी गौर करिया करना आ सूरह बनी इसराइल दी कैदे मुबारक में आ फैसला पादिया जो मैं पढ़ना अल्लाह नाल प्यार बढ़ जाता, रब नाल मुहब्बत बढ़ जांदियां ने। अल्लाह जानता फिर दिल करता नेकिया करने नू, फिर दिल करता है कि दुनिया कुछ नहीं जे, और फिर दिल करता है कि रब वाले बन जाइए। कुरान की कह रहे हैं वा मन और दल आखिरत वसाइन। पंद्रवा पारा सूरह बनी इसराइल वमन और दल आखिरत वसाइन फौला मशकूर। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा
आखिरत की बेहतरी का इरादा करता है, नवाफल पढ़ के तिलावत कुरान करके रोजे रख के सदका खैरात करके नेकियां करके आखिरत की बेहतरी का इरादा करता है ते मोमिन पक्का होवे, मोमिन मुवाहिद होवे, खलूस वाला होए। अल्लाह कहंदे ने मैं उदी कोशिश नू जाया नहीं करदा बल्कि उदियां नेकियां दी कदर किया करना वा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू आते सही एक कदम आगे बढ़ा, अल्लाह सोना तेरी तरफ दौड़ के आ जाएंगे। इस वास्ते जड़ा माल अल्लाह ने अता किया है, गल मैं खत्म करता चाहवा, रब ने अता किया है ते अल्लाह दे रास्ते दे अंदर निछावर करता जाना है, वरना इस दुनिया तो दौलतां वाले भी टुर गए ने। और इत्थे ते कारून नहीं रहा जिदा माल इन्ना सी कि उदे खजाने दियां जड़ियां चाबियां ने ऊंठां दी बहुत बड़ी जमात उठाया कर दी। कुरान पढ़ के देखी दुनिया दे रहा है माल दा नामो निशान काई शै। आ लोगो करोड़ां वा अरबां वाले सारे दुनिया तो जा के रहनगे, जा चुके मिलिया मीट हो चुके, तू ते मैं भी एक दिन एक मट्टी दा निशान बन जावांगे। लेकिन सोचे अगर इस दुनिया ते जांदियां जांदियां कुछ अपने वास्ते सदका जारिया बना जा, मालो दौलत फकत इस वास्ते ना रख के औलादा ते खर्च करना है, ठीक है आलो अयाल ते खर्च करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अल्लाह ने जो कुछ अता किया है घर के अंदर हुस्ने सलूक कर, लेकिन फजूल खर्ची तो बच, अपने बच्चों दियां मंगनियां वास्ते जिदा तसव्वुर कोई नहीं, बड़े बड़े शादी हाल कीमती बुक करवाना है, रब दे घर वास्ते कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। अपनी औलादां दे सगन पूरे करने वास्ते अगरचे बिदात होन रसूमात होन हिंदुआं दे सिखां दीआं रस्मां होन। केड़ी बात है जी, मुंडा केड़ा रोस व्याहना है, ये को रोज देना होना है। उते पहली सफ दे अंदर खड़ा होने वाला बाबा जेड़ा बहुते कीड़े कटदा है मौलवी साहब दे, वो भी जनाब पेश पेश अगे नजर आंदा है, मेरा हीरा है मेरा पुत्र है, जेड़ा बेचारा 10-15 हज़ार रुपया इमाम तनखा लेंदा है वो इनू चंगा नहीं लगता, वो कोई नया लिबास पहन लवे ते उदे खत्ते पै जांदा है ते जनाबे वाली उत्थे लखां लुटा रहा है। मस्जिद के अंदर साल बाद 10 हज़ार रुपया दे के समझदा मैं सब तो बड़ा चौधरी हाँ। ये ओहो ही ने माल अपना दे जावन गैरां ते हथों जावन खाली, रखन हिरसां जन्नत उपर ए बात दीवाने वाली, अर वेखो बादशाहां दियां कबरां और जिथे पैरां देन पखेरू, जो रंग महली उची सौंदे गिरद हदारा पैरू, जो शौकत शान जलालो चढ़ दे और कम दे दर्द पुछालो, हुन खाक नुमानी हेठ ने सुते कोई खबर ना पूछे आलो। आखर मुकाम होइए इस वास्ते कुरान तेनू ते मैनू पुकार पुकार के कह रहे हैं बंदे आ जा फितरत दी तरफ वापस पलट आ, अल्लाह ते उहदे रसूल दे पैगामात नू अपना लै। माहे सयाम आ रहा है, माहे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह दा हक जेड़ा है उहनू जनाबे आली जल्द अज जल्द अदा कर दे, वगरना कयामत दे दिन
वगरना कयामत दे दिन एक मुजरम दी हसीयत नल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश कीता जाएगा। अल्लाह मेरा और थोड़ा भला फरमाए, आसानी फरमाए, किताब सुन्नत दी तालीमात ते अमल पैरा हो के जिंदगी दे शबरोज गुजारने दी तौफीक अता फरमाए। आखिर हुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।